मंगल लाया जिस देश तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह खुरुख की वाणी है। अध्याय 6 पद संख्या 51 से 58 तक।
पाठ का मूल वाक्यांश है, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवन रोटी मैं हूं, यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सादृश्य नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। लेकिन एक चीज नहीं चाहता है,
सब सिस्टर लोग एडमिशन
जो बाबू के बयान के उनके साथ मेरी यही प्रार्थना है, मेरा यही आशीष कि आज के दिन कभी आत्मा आप लोग के अंदर आ गए, आप लोग ऐसे अच्छे बच्चियां हो जाए कि अपने परिवार के माँ बाप को हम सबों को बहुत आनंद अच्छी जिंदगी जीते हुए अच्छी पढ़ाई करते हुए परिश्रम करते हुए कृष्ण के शरीर और ईश्वर की त्वचा पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न बना देता है। इन दानों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य बने, जैसे कृष्ण सेवा कराए नहीं सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। आपके दिन आपके माता पिता तथा धन माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास पोषित करें। क्या आप लोग शैतान का उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हां, मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता जग शक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हां, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग यीशु मसीह पर ईश्वर के एकमात्र और हमारे प्रभु हैं जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, जब लाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के लाए विराजमान है विश्वास करते हैं? जी हां, मैं विश्वास करता हूं। या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर शुद्धिकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में लिया जाएगा, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरितों को किया गया था विश्वास करते हैं? जी हां, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग पवित्र की कलीसिया दर्दियों के संबंध पापों की क्षमा शरीर की पूर्णता और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हां, मैं विश्वास करता हूं। यही हमारा विश्वास, यही कलीसिया का विश्वास, इसे अपने प्रभु यीशु मसीह में सभी महान स्वीकार करते हैं। आमीन। प्रिय बंधुओं, इस चर्चा के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष शब्द की पुत्रियों पर पवित्र आत्मा के
It's coming down. प्रफुल्ल पवित्र आत्मा का वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनिश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रवीण पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अरविंद पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अरविंद पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनिश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। Thank you.
यीशु पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। Thank you.
पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। कल्याण पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। Thank you.
अज्ञान पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण की आपको शांति। अनामिका पवित्र आत्मा की वरदान की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए आपको शांति। हर्षित पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए आपको शांति।
पिता तथा पिता में विश्वास करने वाले सभी लोग देश और जाति का भेद भूलकर एक दूसरे को भाई भाई माने, जिस राज्य में पवित्र आत्मा की शांति और आनंद मिलता है उसकी वे सच्चे हृदय से खोज करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। I'm not afraid of the dark.
Thank you.
देखिए ईश्वर का मेघना इन्हें देखिए जो संसार के पास जो महाराज हैं वहाँ ही रहेंगे, धर्म प्रसाद जो महाराज हैं, धर्म प्रसाद जो महाराज हैं।
Thank you.
और एक नया सेविका है। कौन है? कौन है जो हमारा बहुत टाइम खराब करता है? हम होगा जानते हैं क्या है? मोबाइल सपने भी देखते हैं कोई कोई है ना, इतनी आदत हो गई है कि बिना मोबाइल कोई चीज नहीं ले सकता। बेटी बेटियों इस मोबाइल को भी कभी आराम देना, जितना मोबाइल को आराम देते हैं उतना आप लोग जिंदगी में बढ़ेंगे, जितना मोबाइल को मेहनत करनी पड़ती है ना उतनी आप लोगों की मेहनत जीवन की राहुल शरीर तथा
जो